Hey everyone, I'm Siddhan and I'm finance intern at your shop. So, आज मैं आपके लिए लेके आया commodity market. So, commodity market होता क्या है? And जैसे आपने सुना होगा कि जो अपना stock market है, उससे बहुत riskier होता है commodity market. तो आपने कभी सोचा होगा कि यार ऐसा क्या है? So, आज हम जानते हैं. So, basically सबसे पहले commodity क्या होती है? Commodity मतलब पदार्थ और जो नेचर के थ्रू बने, जिसमें ह्यूमन का कोई भी लेना देना नहीं होता. जैसे हम बोलते हैं कि राइस, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, राइट? शुगर, गोल्ड, ऑयल, स्टील, ये सारी चीजें. सो इन सब का खरीदना और बेचना जहां पे होता है, लाइक ऐसा प्राइमरी प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट, राइट? जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जहाँ पे स्टॉक परचेज बाय और सेल होते हैं, राइट? तो हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक का लेन देन होता है. अब यहाँ पे कमोडिटी का लेन देन होता है, तो उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट. सो बेसिकली दो टाइप की कमोडिटीज होती है, एग्री कमोडिटीज एंड नॉन एग्री कमोडिटीज. एग्री कमोडिटीज में क्या क्या होते हैं, आपने कॉटन हो गया, पल्स हो गया, रबड़ या जितनी भी सारी चीजें हैं, आलू, टमाटर, भिंडी, गोभी, जितने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट? ये हो गए एग्री. एंड नॉन एग्री तीन टाइप के होते हैं. पहले चीज प्रीशियस मेटल, जिसमें आते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, राइट? देन बेस मेटल, उसमें क्या होते हैं स्टील, राइट? ये सारी चीजें, स्टील हो गया आपने, यूरेनियम हो गया, और ये सारी चीजें. देन एनर्जी वाली, लाइक क्रूड ऑयल, थर्मल कोल और नेचुरल गैस. सो जितना भी इन टाइप के प्रोडक्ट्स में डीलिंग होती है, उन सबको बोलते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज. सो जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में NSE DSE है, वैसे ही कमोडिटी मार्केट में MSCI और NCDEX है. सो MCX का होता है मेनली, इट इज लाइक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एंड NCDEX है नेशनल कमोडिटी डायरेक्टिव एक्सचेंज. सो बेसिकली MCX पे जो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है वो ट्रेड होती है, और NCDEX पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है. सो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कमोडिटी. नाउ टाइप्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग, जैसे स्टॉक में भी हमारे नॉर्मल होल्डिंग्स होती है, हेजिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, वैसे कमोडिटी में पहले आते हैं फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट. तो उसमें जैसे आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मैं कोई एक कंपनी में, राइट, मैं कंपनी का ओनर हूँ और मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए. सो मैं उसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ कि मुझे आने वाले 20 सालों तक, 20 इयर्स तक ये चीज इतने प्राइस पे फिक्स है. सो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो जो भी आने वाला फ्लक्चुएशन होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए. हमने फिक्स प्राइस पे, फेयर प्राइस पे इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो होता है फ्यूचर. देन ऑप्शंस, आज आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, या आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से आप डीलिंग करते हो, तो उसे बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, राइट? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कमोडिटी ट्रेडिंग रिस्की क्यों होती है, क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है. पहला, हाई मार्जिन. जैसे कमोडिटी मार्केट में कुछ जैसे लॉट साइज होता है, तो एक जैसे आपको गोल्ड में सपोज ट्रेडिंग करनी है, तो आपको एक लॉट लेना पड़ेगा. एट लॉट का मतलब था 1 kg. 1 kg इट मींस इट विल प्राइस यू अराउंड 5 lakh. अब आपके पास 5 lakh तो रुपीस होंगे नहीं, राइट? तो अब आप करोगे मार्जिन पे ट्रेड. सो जैसे आप स्टॉक है, तो वो आपको कुछ मार्जिन प्रोवाइड करेगा, राइट? इंटू 10x, इंटू 20x. सपोज आपने आज 1000 rupees लगाए, एंड अब आपको वो 10x का लिवरेज मिला, तो अब आप 10,000 की ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें आपका पैसा सिर्फ 100,000 रुपये लगा है. सो अब आपको 10% गेन होता है. इट मीन्स आपको 1,000 rupees पे 10,000 या 10%, इट मीन्स आपको 1,000 पे 1,000 rupees का गेन हो, राइट? बट अगर आपको लॉस होता है वही 10% का, तो आपने 1,000 rupees लगाए थे एंड आपको 1,000 rupees का लॉस हुआ है, इट मीन्स आपका 100% लॉस. आप जो कैपिटल लेके आए थे, आप जीरो कैपिटल लेके वापस जा रहे हो. तो ये सबसे बड़ी चीज रिस्कियर होती है कमोडिटी मार्केट में. आपको मार्जिन मिलता है, आपको लेवरेज मिलता है, बट वहाँ पे लॉस भी उसी हिसाब से होते हैं. सो दैट्स व्हाई बोलते हैं कि मेंटेन स्टॉप लॉस.
आफ्टर स्टॉप लॉस के साथ चलना होता है, राइट। देन ग्लोबल अनस्टेबिलिटी, जैसे आज आपने आप देख रहे हो कि यार इंडिया में प्याज बहुत ज्यादा, लाइक प्याज के प्रोडक्शन एक नॉर्मल हुआ है, बट अब आपने देखा कि यूएस मार्केट में प्याज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुए, तो वहां पे प्राइजेस कम हुए, क्योंकि अब वहां का जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में वो इंडिया को भी इफेक्ट करेगा, राइट। तो सेम चीज होती है चाहे गोल्ड हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, जो वहां पे प्राइस से फ्लक्चुएट हो रहे, जो हमारे ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, उसका असर हमें कमोडिटी, जो इंडिया का कमोडिटी मार्केट है उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये सबसे ये चीज है कि जो वहां पे अगर ज्यादा असर पड़ रहा है तो यहाँ पे भी पड़ेगी, तो फ्लक्चुएशन काफी हो जाते हैं। देन अगर कुछ भी कोई इलेक्शन चल रहे कहीं पे, या कहीं पे कोई फिनोमिन आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कुछ टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, या कोई भी नई पॉलिसी आ जाती है, सो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और आप मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो, तो फिर देन देयर इज अ चांस कि आपका जो आप पैसा लेके आए हो आज मार्केट में, आप कल जीरो पैसे लेके अपने साथ जा सकते हो, राइट। सो आई होप आपको समझ आया कि कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है, वो कैसे ट्रेड करते हैं। एंड बाकी यहाँ पे हमारे नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। थैंक यू।